नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाली तीज की पूजा विधि, मुहूर्त और उद्यापन के बारे में। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं, उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग्य में यही पूजन आषाढ़ तृतीय को मनाया जाता है, उसे हरतालिका तीज भी कहते हैं। दोनों का पूजन एक जैसा होता है, अथा कथा भी एक ही जैसी होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। ये त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएँ पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस त्यौहार में स्त्रियां हरी चुनरी ओढ़ती हैं, गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियाएँ अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएँ माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने के भी रिवाज हैं। अब बात करते हैं हरियाली तीज के उद्यापन विधि के बारे में। हरियाली तीज के व्रत का उद्यापन हरियाली तीज के दिन ही किया जाता है और इस दिन भगवान गणेश के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यदि आप इस व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो आपको इस दिन निर्जला व्रत रखना होगा और साथ ही अपने पति के साथ पूजा करनी होगी। आप चाहें तो आप उद्यापन की विधि स्वयं भी पूरी कर सकते हैं या फिर किसी पंडित द्वारा करा सकते हैं। हरियाली तीज की उद्यापन विधि में सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें और इसके बाद 5 सफ़ेद वस्त्र भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद 5 लाल वस्त्र माता पार्वती को अर्पित करें और 5 बर्तन शिव परिवार को अर्पित करें। बर्तन अर्पित करने के बाद 5 प्रकार के फल भगवान शिव को अर्पित करें, जिसमें बेर अवश्य होने चाहिए। इसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और कच्चे दूध से शिव परिवार का अभिषेक कराएं। अभिषेक करने के बाद पुष्प चढ़ाएं और फिर धूप व दीप से पूजा करने के बाद हवन करें। हवन के आखिर में नवग्रहों की आहूति दें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को वही सब वस्तुएं दान में दें जो आपने भगवान शिव और माता पार्वती को चढ़ाई दी। इसके बाद मंदिर में नमक का दान करें और पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन व्रत का पारण करें। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।